अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ बीफ़ कौरमा, और बीफ़ कौरमे की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, तो चलिए जी जनाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ़ कौरमा बनाने के लिए एक प्याली घी लिया है। इसके बाद जी मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको कट करके अब मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे, ना इसको जलाएँगे। बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर देना है इस तरीके से, और जब इस तरह से लाइट ब्राउन फ्राई हो जाएगी ना, देन हम इसको घी से सेपरेट कर लेंगे। और जी यहाँ पे प्याज फ्राई हो चुकी है। इसके बाद मैंने एक चम्मच के करीब भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसको हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। जब लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो जी हम बीफ गोश्त लेंगे। 1/2 kg के करीब मैंने गोश्त लिया है बगैर हड्डी के, और अब मैं गोश्त को भून लूँगी अच्छे तरीके से कोई तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। और ये बात याद रखा करें हमेशा कि आप जितना अच्छा गोश्त को भूनेंगे उतना ही अच्छा कौरमा तैयार होगा। यहाँ पर जी गोश्त भून रहा है, इसी के साथ मैं सबसे पहले प्याज, 1/2 कप दही, 2 चम्मच कौरमा मसाला ग्राइंडर में डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे तरीके से पीस लूंगी। जब इसका मसाला तैयार हो जाएगा देन मैं इसको गोश्त में ऐड कर दूंगी। 2 से 3 सेकंड इसको मज़ीद भूनूंगी और जी इसको 10 मिनट का वेट लगा दूंगी। और जी यहाँ पर ना गोश्त हो गया है हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार, गोश्त गल चुका है। और इसके बाद ना मैं इसमें फ़्लेवर देने के लिए और कलर के लिए 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। और हरी मिर्ची मैं हमेशा एंड पे ऐड करती हूँ क्योंकि इससे हरी मिर्चों का कलर भी ख़राब नहीं होता और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर हो गया है जी हमारा बीफ कौरमा तैयार। और ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी व्लॉग और आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।